आपने मैं अभी पहले वाला ब्लॉग देखा ही होगा। मैं आया हूँ उज्जैन, महाकाल दर्शन करने, और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ उज्जैन। तो अब यहाँ से चलते हैं अपन महाकाल दर्शन करने। आपको मंदिर रूट यहाँ से कैसे जा सकते हैं, मंदिर के कितने बजे क्या दर्शन होते हैं, और महाकाल कॉरिडोर स्पेशली वो पूरा दिखाते हैं। और वीडियो में बने रहे, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो मैं नाम है अनिश, और आप देख रहे हैं अनिश जैन ब्लॉग्स। अपने को जरा भैया मिले, जरा जानकारी लेता महाकाल मंदिर तक की। भैया वैसा आपका नाम? मेरा नाम रईस। रईस है, और यहाँ से महाकाल मंदिर कितना दूर पड़ जाता है? 1.5 किलोमीटर। और अप्रॉक्स कितना किराया लगता है यहाँ से महाकाल मंदिर का? सवारी रिक्शा में, इतने पर्सनल रिक्शा नहीं करना आपको। 20 रुपये। तो अगर पर्सनल रिक्शा करते हो तो कितना लग जाएगा? 50 रुपये। पर्सनल रिक्शा करते हो तो 50 रुपये लग जाएगा यहाँ से महाकाल मंदिर तक का, देवास गेट से। और अगर अपन सवारी के साथ में जाते हो 20 रुपये किराया है पर पर्सन का। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं जो आपको लगे, जो सस्ता लगे अपने आपको। तो चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे उज्जैन दर्शन के लिए जो होता है तो उसका क्या किराया रहता है और उसका क्या कैम रहता है, बता सकते हो? बस चलती है मंदिर से। हाँ, बस चलती है मंदिर से, ऐसा मिलेगी। और अपने को रिक्शा करना होगा, ऐसा करोगे तो 500 रुपये जा रहे हैं। सवारी कितनी की है? सवारी कितनी की रहती है? 3 सवारी। तो अगर वो उज्जैन दर्शन में चाहता है अपन मंदिर शहर के बाहर आते हैं। हाँ, शांति बनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़काली का। अच्छा, 6 मंदिर। अच्छा, 6 मंदिर। कितनी देर लग जाएगी? 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो उज्जैन दर्शन करना अगर आपको तो 500 रुपये के अंदर 3 सवारी और 2.5 से 3 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। और उज्जैन भी घूम सकते हो, उज्जैन बहुत शानदार जगह है। महाकाल मंदिर की पार्किंग, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पार्किंग पुरानी वाली। एंड ये महाकाल मंदिर का पुराना रूट जाते जाते हैं। तो चलते हैं दर्शन करने, और महाकाल मंदिर का पुराना वाला रूट जो महाकाल कॉरिडोर बनने के पहले का है। फूल प्रसाद, रुद्राक्ष की माला और सभी चीज़ें आपको बहुत सारी खरीदारी के लिए चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। प्रसाद भी ले लेते हैं, महाकाल मंदिर जा ही रहे तो प्रसाद तो लेना जरूरी है, तो प्रसाद लेते हैं। और फिलहाल मैं आया हूँ शॉप पे, अभी अपनी है गेट से जस्ट सामने, सामने दिख जाएंगे आपको, भैया मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। ये भैया है, और जब प्रसाद लेते हैं तो अंदर बैग अलाव नहीं, तो बैग जमा कराते हैं, प्रसाद लेते हैं जरा, और चलते हैं जरा मंदिर की ओर। जब देख रही मैं बोलने आपको सामान देखेंगे भाई, तो गिराक को ले दे रही हूँ, बोल रही भैया मंदिर जाओ, मैं गाड़ी लगवा रही हूँ, उसके बाद भी आ रहा हूँ, तू ध्यान रखना। मैं गिराक को लगा रही हूँ, और सेल्फी स्टिक अलाउ रहेगी क्या? मैं लगवा ही नहीं, हम लगा तो अच्छा। इधर 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 और देखते हैं। जय महाकाल। तो फिलहाल प्रसाद ले लिया मैंने, और अब चलते हैं महाकाल मंदिर की तरफ। पूरा कॉरिडोर आपको दिखाना, पूरी रिसर्च करके आया हूँ मैं कॉरिडोर की, एक एक मूर्ति, एक एक आइडल से लेकर सभी की रिसर्च करी, तो आपको एक एक पूरी जानकारी दूंगा। पूरा कॉरिडोर अपनी तरफ जितना मैंने देखा है, जितना मैं देखूंगा आपको दिखाऊंगा। और प्रसाद की अगर आपको बात बताऊँ तो प्रसाद की ये टोकरी पड़ी मुझे 110 की, जिसमें फूल है, फूल के साथ में आपको प्रसाद का ये पूरा बॉक्स आ जाएगा, और ये बॉक्स आ जाएगा प्रसाद का। और फोटोज मैं अपलोड कर दूंगा, आप इंस्टा पर भी देख सकते हैं मेरे। और अगर आप केवल केवल प्रसाद का बॉक्स लेते तो वो पड़ेगा 100 रुपये का, फूल प्लस प्रसाद लेते तो 110 रुपये का, और फूल प्रसाद एंड माला तीनों लेते हैं तो कुछ पड़ेगी आपको 150 रुपये की। रेट यही है, ज़्यादा आप मोल भाव करने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो भाव के लिए आप ज़्यादा कुछ करें मत, फिक्स रेट के वैसे मोस्टली, और कभी चेंजेस हो सकते हैं फेस्टिवल के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं वो रेट भी। तो चलते हैं महाकाल कॉरिडोर की ओर, आपको दिखाते हैं। और महाकाल मंदिर के अंदर आपका बैग अलाउ नहीं, बैकपैक अलाउ नहीं रहेगा, शोल्डर बैग या
वेस्ट बैग जो कमर पे बांधते हैं वो वाला बैग अलाव है केवल मंदिर के अंदर, तो आप केवल वही ले जाए। सेल्फी स्टिक अलाव है, सेल्फी स्टिक ले जा सकते हैं और बाकी आइटम कुछ भी अलाव नहीं है। तो आप अपने सेफ्टी से और मोबाइल पर्स आप अपनी सेफ्टी से रखें और बैग जमा कर सकते हैं। आप सभी शॉप पे जा सकते हैं, प्रसाद लोग वहाँ बैग जमा करा देना फ्री ऑफ कॉस्ट का, बैग का कोई चार्जेस नहीं है। तो आप वैसे आप उन्हीं से प्रसाद लें जिनके यहाँ बैग जमा करा सकते हो आप। और चलो चलते हैं मंदिर की ओर और आपको कॉरिडोर दिखाते हैं। हर महादेव। अगर आप महाकाल कॉरिडोर आते हैं, महाकाल कॉरिडोर अगर किसी को पैदल घूमने में परेशानी है, जो पैदल नहीं घूम सकते या घूमना नहीं चाहते, तो उनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी है, पीछे देख सकते हैं आप। इसमें भी महाकाल पूरा घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन है। कॉरिडोर पूरा आप इसके थ्रू घूम सकते हैं। तो आप वहाँ से आ गए, यहाँ भी काम चल रहा है इसलिए इतनी व्यवस्था नहीं है, बाकी अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो आपको कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, कॉरिडोर देखते हैं महाकाल। महाकाल लोक कैसा बना है आपकी बार, पहली बार आ रहा हूँ मैं महाकाल लोक दर्शन करने। महाकाल महाकाल लोक देखने आना, मंदिर के तो दर्शन कर चुका हूँ पहले भी। आपको मिल जाएगी बेंचेस बनी हुई है जगह जगह, आपको बैठने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। अभी तो अपन घुसे भी नहीं महाकाल लोक में, उसके पहले इतना सब कुछ है। अंदर जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना शानदार भव्य बना हुआ है महाकाल लोक। तो चलते हैं वो भी देखते हैं। आपको देना था पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं पहले दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन करता हूँ मैं पहले और आपको बताता हूँ। दर्शन में जो भी हो पाएगा दिखाने का मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद आपको पूरा महाकाल कॉरिडोर फ्रॉम फर्स्ट ज़्यादा चालू और वहाँ से लेके आखिरी तक पूरा मैं घुमाऊँगा। और मैंने क्योंकि अभी जूते नहीं पहन रखे तो बहुत पैर बहुत जल रहा है, धूप ज़्यादा है, तो थोड़ा सा छाव आ जाए, फिर दिखाता हूँ आपको पूरा महाकाल महाकाल कॉरिडोर। देखते हैं पहले दर्शन करके आते हैं, फिर अब मैं आपसे दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे। मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य बना दिया है, अब मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ मंदिर भी। तो पहले दर्शन कर लेते हैं। इस तरीके से चलते हैं अंदर दर्शन करने। भव्य प्रवेश द्वार मानसरोवर। चलते अंदर एंट्री। महाकाल भव्य बना दिया है, जो कि आज तक पहले भी ऐसा देखा नहीं था मैंने। बेहद ही भव्य बना रखा है महाकाल मंदिर, जो कि एंट्रेंस ही इतनी भव्य है तो आगे तक क्या होगा। बेहद ही भव्य मंदिर है। ठंडे पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी मंदिर के अंदर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ठंडे पानी की व्यवस्था। एंगल मैं पीछे वॉशरूम देख सकता है, वॉशरूम अगर उसको जाना हो, उसको यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकता है। जब पानी पीता प्यास लग रही, बहुत सुबह से निकले हुआ आप दर्शन करने के लिए।
और भी मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके भी मैं दर्शन करूंगा और आपको भी करवाऊंगा। जब तक अपन महादेव मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, महादेव के दर्शन करने चलते हैं, ये दर्शन के लिए चलते हैं अंदर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह अच्छा मेंस वियर, मेंस कलेक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, अच्छे केशक, सिंपल एंड ट्रेंडी केशक, तो आप भी मेरी तरह मंगा सकते हैं। ऑनलाइन अपना पेज है, तो आप भी मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपको मैं शो कर रहा हूँ, और आपको नीचे लिंक भी डाल दूंगा मैं, मेंस मोमेंट मेंस डॉट क्राउन। इस आईडी से आप मंगाइए, आपको बहुत सारे क्रैंकिंग मेंस वियर, मेंस केशक, मेंस से लेकर आपको मेंस केशक, लोअर, जींस, अभी हम जल्दी लाने वाले शर्ट्स हो गए, बहुत सारा आइटम मिल जाएगा, तो आप उससे कुछ अपनी खरीदारी करें और अपना सपोर्ट दिखाइए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भव्य दर्शन में फिलहाल आप भी अब देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और भव्य दर्शन देखना मिलेंगे कि कोई ने भी नहीं बना रखा ऐसा वीडियो। तो अब बढ़ते हैं बाहर की तरफ, बहुत अच्छा लग रहा दर्शन करके बहुत। दर्शन हो चुके।
ठीक है, मंदिर परिसर से बाहर जाना है और जितना उसका मैंने आपको दर्शन करा है। ये आपको महाकाल मंदिर के अंदर का पूरा तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं बाहर की तरफ और आप बाहर एग्जिट द्वार एग्जिट की तरफ चलते। पूरा दर्शन करा दिए और बाहर का भी पूरा दिखा दिया महाकाल मंदिर के। और तो आज का व्लॉग बस यहीं तक ही, और इसके बाद वाला नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, उसमें आपको पूरा महाकाल कॉरिडोर दिखाना है और कॉरिडोर की एक एक चीज़ बताना है। तो उस व्लॉग में भी आप जुड़े रहे, उसको भी पूरा देखिएगा आप। और इस व्लॉग में मैंने पूरा महाकाल मंदिर की जानकारी दी, जिससे आपको पूरा मंदिर का भी मालूम रहो, मंदिर के दर्शन हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और नेक्स्ट पार्क में बने रहे, कॉरिडोर आपको उस पार्क में देखने को मिलेगा। और इसके पहले अगर आपने इंदौर उज्जैन बस जर्नी नहीं देखी तो वो भी देखिए, वो भी बहुत अच्छी बनी थी मेरी तरफ से। और अब आपसे मिलते हैं अपने अगले पार्क में, तब तक बाय बाय।